मैं बर्बाद हो गई पूरी तरह से। एक साल का मेरा बिना हाथ पूरा गया। मैंने ऐसे को भी सोचा नहीं था। इस तरह से यूट्यूब ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक साल पूरा मैंने यूट्यूब पर मेहनत किया था। मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी रोना धोना करेंगे। अगर आपने यूट्यूब पर कुछ गलती किया है तो मैं लक्ष्मी सिंह आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, जस्ट अभी 1 वीक पहले की बात है, एक हमारे भाई साहब का मैसेज आता है कि उनका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया, यूट्यूब ने कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे बताया तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर मंगवाया है दोस्तों, और आपको थंबनेल से पता ही चल जाएगा देख करके कि किसका है और कैसे डीमोनेटाइज हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं इस बारे में कि आप भी ये गलती बिल्कुल भी ना करना। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपका भी चैनल पहले मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद में डॉलर भी बन जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद में चैनल को डीमोनेटाइज यूट्यूब कर देगा। जैसे कि हमारे एक भाई साहब के साथ हुआ है, उनकी कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि जो चीज़ का प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब का चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये मैं बातें शेयर करूं। दोस्तों, उन्होंने गलती ये किया था कि दूसरे की जो व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियोस लगती हैं, उन्होंने उसको कॉपी करके और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको कंटिन्यू वो डालते गए। उनका अच्छा खासा व्यूज चलता था। उनकी गलती इतना थी कि वो जो है अपना खुद का वीडियो फेस वैल्यू ना बनाते हुए व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का कॉपी करके डालते थे यूट्यूब पर। और उसके बाद में दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उनका अच्छा खासा व्यूज गया और चैनल भी अच्छा खासा ग्रो कर गया, हवे में उड़ा। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, डॉलर बनने लगा, चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका, डॉलर भी धीरे धीरे बन चुका था। उसके बाद दोस्तों, उनके चैनल पर अचानक से यूट्यूब ने पूरी तरह उनका चैनल बर्बाद कर दिया, उनको डीमोनेटाइज कर दिया, उनके चैनल को। हमारे भाई साहब की जिनका मैं बता रही हूँ, अभी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, तो डीमोनेटाइज होने के बाद उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजे और उसके बाद में, और उन्होंने क्या किया था, उसकी सेकंड गलती बताती हूँ मैं। उन्होंने सेकंड गलती किया था कि जो उनकी लॉन्ग वीडियो होती हैं, लॉन्ग वीडियो पर उन्होंने गूगल से कॉपी पेस्ट करके थंबनेल लगाया था। तो आप भी दोस्तों, ये गलती कभी भी मत करना। थंबनेल जो हम वीडियो बनाते हैं, उसी वीडियो का थंबनेल हम खुद बनाना चाहिए हमें, ना कि आप गूगल पे जा करके कॉपी पेस्ट करके किसी इमोजी को आप लगा दो। तो उन्होंने ऐसी गलती किया था और इस गलती की वजह से उनका सालों का मेहनत पानी में चला गया और वो रो रहे हैं अब। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग गलती मत करिएगा। कभी भी आप लोग गूगल से कॉपी पेस्ट करके अपने यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो पर थंबनेल ना ही लगाइएगा। और सेकंड है कि आप लोग किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं से भी कोई भी चीज कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पर नहीं डालना। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके चैनल पर YouTube की नजर जाएगी और आपका चैनल सीधा डीमोनेटाइज कर देगा वो।
जैसे कि हमारे भाई साहब के साथ हुआ है। मैंने थंबनेल जो लगाया हुआ है उनके ही चैनल का लगाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं, आप लोग भी ऐसी गलती कभी नहीं करिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों। मैं आऊँगी फिर किसी नई वीडियो और नए यूट्यूब की जानकारी के साथ। और चैनल पे अगर न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करूंगी इससे भी अच्छी जानकारी लेकर आऊं आप सभी के बीच में, जो कि आप लोगों को अच्छा, आपके चैनल के लिए अच्छा हो, आपको समझने में आसानी हो। और भी आपको जानकारी चाहिए किसी के बारे में, यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी, तो आप हमें कमेंट में बताइए। हमारे लाइव में भी आकर आप लोग पूछते हैं तो मैं उसी का आंसर धीरे धीरे आप लोगों को अपने वीडियो के जरिए दे रही हूँ। और दोस्तों अब आप सबसे विदा चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।